अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज आप देख सकते हैं कि जैसे आज का मौसम जो है बहुत ही मज़े का रोमांटिक सा मौसम है, बारिश हो रही है। सितंबर जो है उसका लास्ट डेज चल रहे हैं, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और जो है हवाएं ठंडी चल रही हैं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं पकोड़े बनाऊं और सबको क्रिस्पी पकोड़े खिलाऊं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं जो कि हमें पकौड़ों के लिए चाहिए होते हैं। ये देखिए, मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है, लंबी लंबी मैंने इनकी कटिंग की है। ये थोड़ी सी मैंने कैबेज ली है, उसकी कटिंग कर ली है। ये पालक ली है, उसको अच्छे से कटिंग कर ली है। ये मैंने छः बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनकी कटिंग कर ली है। 1 टेबल स्पून जो है रेड मिर्च का लिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, ये थोड़ा सा बेसन लिया है, 40 से 50 जो है मैंने वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और ये 1 टेबल स्पून जो है मैंने सूखा धनिया लिया। इन तमाम चीज़ों को आए मिक्स करते हैं एक बाउल के अंदर, और फिर थोड़ा सा साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। एकदम आपने ज़्यादा सारा पानी नहीं डालना, अगर आप एक दफ़ा ही सारा पानी डाल देंगे तो आपके पकौड़े जो हैं बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चले आए हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये देखें जनाब, मैंने पकौड़ों की तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो हैं उनको अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है, और मैंने इनकी नमक मिर्च भी चेक कर ली है। एक पकौड़ा फ्राई करके नमक मिर्च बिल्कुल बराबर है, मुनासिब है। यह आपने नमक मिर्च जो है अपने मटेरियल के हिसाब से लेनी होती है। चले आएँ हम इनको फ्राई करते हैं। जब मैं मटेरियल तैयार कर रही थी तो मैंने कढ़ाई के अंदर अपना ऑयल जो था वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल जो है हमारा तकरीबन गर्म है, अब हम इसके अंदर अपने पकोड़े जो हैं फ्राई करेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं अपनी चीज़ें जो हैं फ्राई करने वाली वो ज़्यादातर आजकल सरसों के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कुकिंग ऑयल की निस्बत। आप लोगों के पास अगर सरसों का ऑयल अवेलेबल है तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर अपनी चीज़ें फ्राई करें, क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। चले आएँ हम अपने पकौड़े फ्राई करते हैं। ये देखें जी, पकोड़े मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अब ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, 5 से 10 मिनट्स लगेंगे हमारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। और आपने एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपकी जो हीट है, फ्लेम है, वो ज़्यादा ना हाई हो ना ज़्यादा लो हो, मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकोड़े क्या होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बेसन का टेस्ट आएगा, तो आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। अब हम इनके फ्राई होने का वेट करते हैं। ये देखें जनाब, मेरे गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े जो हैं ठंडे ठंडे मौसम में तैयार हैं। मैंने कढ़ाई से इनको निकाल लिया है और ये आपको दिखाती जा रही हूँ उसकी फाइनल लुक। देखें कितने क्रिस्पी हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। अब मैं इनको सर्व करने जा रही हूँ, और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने साथ पुदीने की चटनी भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने पुदीने की चटनी जो है वो भी तैयार कर ली हुई थी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।